सुलभ शौचालय नहीं बना हुआ या 5 रुपए भी नहीं है तुम्हारे पास, यहाँ गंदगी कर रहे हो। देखा नहीं का क्या मतलब? चलिए आप कहाँ से आए हैं? हाँ कहाँ से आए? रूम भी आ रहे। अरे कहाँ के रहने वाले हैं? लक्सर। लक्सर के ज्वालापुर में क्या करते हैं? पढ़ाई कितनी कर रखी है? हाई स्कूल कर रखी। तो पढ़ तो लेते होंगे। अब इसको पढ़ो क्या लिखा है बड़ा बड़ा? शौचालय। जोर से बोलो शौचालय। जोर से शौचालय। जितनी जोर से मैं पढ़ रहा हूँ शौचालय। शौचालय है ना। अब आ गया। तो भी पढ़ो क्या लिखा हुआ है सामने। शौचालय वहाँ पे पढ़ो ना, वो जो फोकस कर रहा है इधर। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है नीचे की तरफ? सारे पढ़ो सब में। क्या लिखा है? ये लिखा है पुरुष। पुरुष और महिलाएं। और पुरुष के बाद शौचालय। शौचालय महिला। महिला शौचालय। अब ये क्या लिखा पढ़ो? तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ऊपर वाला पढ़ो। आवाज उठाओ गंदगी भगाओ। ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ? बिलक शौचालय। ठीक है। अब बताओ आप यहाँ किस लिए आए थे? आए किस लिए थे यहाँ पे? दो बड़े बड़े शौचालय आपने देख लिए? मैंने पूछा दो बड़े बड़े शौचालय आपने देखे या नहीं देखे? देखे सर। आपकी आंखें फिट हैं या नहीं? बिल्कुल सर। आपको दिखता है या नहीं दिखता है? दिखता है ना। स्वच्छता की कोई इतनी बड़ी मुहिम चल रही है, आपको पता है या नहीं पता है? नहीं सर पता है। तो फिर क्या सोच के आप वहाँ पेशाब करने गए? मैं सीधी भी पूछ रहा हूँ, इतना सब होने के बाद भी, प्रचार प्रसार होने के बाद भी, दो बड़े टॉयलेट बनाने के बाद भी आप वहाँ पे क्यों गए टॉयलेट करने? बस खाली इसका सिंपल जवाब चाहिए मुझे। क्यों का जवाब चाहिए? सोचा नहीं जवाब चाहिए। चलो भी चेक करो जरा इनका वॉलेट। आओ उसके पैसे थोड़ी ले जाते हैं भाई यूरिन करने के। जेब चेक करिए। देख देखो यूरिन करने का थोड़ी लेता हूँ, टॉयलेट के जाने के लिए ले रहा हूँ। नहीं चेक करो, चेक करिए अभी लेता हूँ। पैसे हैं यूरिन तो यूरिन वाले निःशुल्क होती है। खुले पैसे भी हैं? खुले पैसे हैं या नहीं हैं? वो मेरी गाड़ी में पड़ी भी ना पर्ची, टॉयलेट की फाइन वाली नहीं रखी भी मैंने। आओ अब आओ ना भाई। ऐसे लोगों को इलाज भी नहीं है ना। अरे भाई इतना बड़ा बड़ा लिखा, आपसे गलती हो गई होगी, लेकिन हम आपको छोड़ के तो गलती नहीं कर सकते ना। नौकरी तो हमारी भी है। हाँ तो जैसे आप शौक में पेशाब कर रहे हो, वैसे हमें भी नौकरी करनी है। ताकि आप अपना शौक पूरा ना करो इस तरह से। इतनी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है साफ़ सफाई में, टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है और इसका दंड भी मिलना चाहिए। कोई बात नहीं है, अब दंड दीजिए और जाइए। अभी तो दंड देंगे, तभी तो दंड देंगे। हाँ तो सुना है और उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हो तो दंड तो देना ही पड़ेगा। मुझे पता है आप नहीं करोगे जब फाइन लगे, उसके बिना तो आप कई जगह करो। मैं क्या आपको ढूंढता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पेशाब कर रहे हो? नहीं तो मेरा काम है। हाँ वो बुकलेट सर बंद लिखो, इसे लिखो खुले में शॉर्ट CCR के सामने दंड। आप लोग भी अपनी गाड़ी में जो फाइन वाली जो बुकलेट है सर कूड़ा करने वाली पेशाब जो छोटी टॉयलेट नहीं बना रखी इतनी बड़ी, क्यों कर रहे हो आप खुले? इतनी बड़ी टॉयलेट बना रखी, बात खुले की नहीं है। 10 रुपये इसके पास खुले भी थे। वही तो कह रहा हूँ, खुले पैसे भी खुले थे, 500 रुपये भी खुले थे और वो लेते भी नहीं, और टॉयलेट्स भी थे उसके बाद भी ये खुले में कर रहे हैं तो दंड तो मिलने। सर यहीं छपवा दें क्या? नहीं पड़े हैं बुकलेट्स, सभी गाड़ी में रहने। मैंने जब वो पहले सारी पावर सबको डेलीगेट कर राइट अप टू लेट पास, कोई भी फाइन कर सकता है। अब मुझे यकीन हो गया कि आप ऐसा दोबारा नहीं करोगे। धन्यवाद। अभी तो कह रहा हूँ वेट कर।